आप जाकर लो भारत का इतिहास, ठीक है। अगर दिखाई नहीं देगा तो आपको सुन भी दीजिएगा। तो पहले क्या है भारतवर्ष, भारत का पुराना में क्या नाम है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष मतलब कहाँ है, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण के समुद्र, दक्षिण में कौन सा समुद्र है, हिंद महासागर बोल सकते हो, लोग दक्षिण बोल समुद्र हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में जो हिंद महासागर है उस महाद्वीप को क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। उप महाद्वीप किसको कहा जाता है, जो तीनों ओर से पानी से गिरा हुआ है। अब महाकाव्य अर्थात पुराणों के अनुसार जितने पुराने 18 महाकाव्य हैं उन पुराणों के अनुसार क्या है, इसे क्या कहते हैं भारतवर्ष को, भारतों का देश कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को, भारत के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत माता की संतान कहा जाता है। भारत क्या था, भारत क्या था पहले, भारत किसके नाम था, तो भारत जैसे लोग पढ़ते हैं क्या कहानी पुरानी कहानी भारत नाम के राजा से, लेकिन प्राचीन में पुराने जमाने भारत क्या थे, कबीले का नाम था, कबीले समझते हैं ना आदिवासी रहने वाले होता हो, कबीले का नाम था क्या भारत। तो भारतीय जो थे यहाँ रहने वाले क्या कह रहे थे अपने देश को, जम्बूदीप, जम्बूदीप जम्मू में क्या था, जम्मू संस्कृत शब्द है जामुन का, तो जामुन का पेड़ मतलब जामुन के वृक्षों का देश, यहाँ शायद जामुन का पेड़ ज्यादा होता होगा, उसे क्या कह रहे थे जम्बूदीप भी कहा करते थे। ईरानी जो लोग थे यहाँ बहुत सारे आक्रमणकारी आए, जो भी यहाँ आए क्या कि इसको अपना अपना नया नया नाम देते रहे, तो लोग आए किधर से आए थे, सिंधु नदी की तरफ से आए थे, तो सिंधु नदी को क्या ईरानी क्या खासियत है, ईरानी क्या खा देते सर पोहा बोलते थे, तो ईरानी क्या सिंधु क्या सर पोहा बोलते थे, तो सिंधु नदी क्या करने लगे हिंदू कहने लगे हिंदू, उसी के नाम हिंदू से क्या पड़ गया इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ईरानी आए तो क्या होने लगे हिंदे बोलने लगे इसको, और हिंदे से फिर अंग्रेज इंडिया नाम देते अलग अलग जो भी आए जैसे इसको अलग नाम दिए, ईरानी किस नाम से सिंधु नदी के नाम से दिए सिंधु, इसको हिंदू बोलने लगे तो सर पोहा बोलते थे, यूनानी आए इसको तो इंदे बोलने लगे, जो अरबियन लोग आए थे उसमें हिंदी कहते थे, और जो अरबी सब जो मध्यकाल में आए तो उस काल मध्यकाल में इसका नाम भारत क्या पड़ गया हिंदुस्तान नाम पड़ गया था, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यहाँ देखिए इंदे के आधार पर इंदे कौन नाम रखे थे, इंदे नाम कौन दिए थे यूनानी, बोलना मना नहीं बोल सकते हो, इंदे को नाम दिए यूनानी, यूनानी जो नाम दिए इंदे उसी के आधार पर अंग्रेज क्या किए इसको इंडिया कहा जाने लगे, लेकिन अंग्रेज क्या करने लगे इसको इंडिया कहने लगे। अब विंध्य पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत पढ़ते हो ना कटी विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत क्या है भारत को किस में जो भारत की बीच से है, विंध्याचल पर्वत क्या भारत की बीच वाली पर्वत श्रृंखला है, इसे जन्म कौन है जय जन भारत में है कटी विंध्याचल भारत माता का मन है कमर जो बीच में रहता है, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है भारत को क्या करता है दो भाग में बांटता है, ऊपर का भाग क्या हो जाएगा ऊपर का भाग उत्तर नीचे का भाग दक्षिण, तो दो भाग में दक्षिण उत्तर में बांटता है कौन विंध्याचल पर्वत बांटता है, उत्तर में इसको उत्तर में रहने वाले लोग क्या थे इंडो द्रविड़ भाषा बोलते थे, और दक्षिण में रहने वाले क्या बोलते थे द्रविड़ भाषा बोलते थे, तो ज्यादा मतलब इंडो जो इंडो जो किए जो इंपीरियल जो आए इंडो में वहाँ क्या किए ज्यादा मतलब इंडिया एयरपोर्ट दोनों भाषा बोलने वाले उत्तर में थे, और दक्षिण में ज्यादा क्या थे द्रविड़ भाषा वादी का बहुमत था या बहुल कर बोल सकते हैं। भारत की जनसंख्या के मान जो भारत के लोग थे और शुरुआत हुआ देश का इतिहास पर पढ़ते कैसे क्या शुरुआत इसमें इसमें बहुत ज्यादा जातियों का मिश्रण था, प्रोटो ऑस्ट्रिया से एक क्या है क्राइजियन मेडिटेरेनियन काकेसायर निग्रोयार्ड और मंगोलियार्ड ये सब नस्ल के यहाँ आदमी आए थे, और ये सब क्या है जो मिश्रित है उसमें क्या है ये सब मिश्रित जाति क्या हो गया भारत में जनसंख्या का निर्माण हुआ, किसी लोगों की मिश्रण से हुआ भारत में जनसंख्या का निर्माण, मतलब यहाँ से नस्ल भी क्या है ये सब नस्ल के और सर्वप्रथम इतिहास यहाँ सवार ही गए हम लोग, तो किसी भी इतिहास को क्या करते हैं तीन खंड में बांटते हैं, चाहे वर्ल्ड इतिहास हो वर्ल्ड हिस्ट्री हो विश्व का इतिहास या भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को क्या क्या है तीन भागों में बांटा गया, लेकिन इतिहास ग्रंथ को जो इतिहास में हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको सबसे पहले तीन भाग कौन बांटे थे जर्मनी के इतिहासकार थे, उसका नाम क्या था आपका क्रिस्टोफ सेलियस सेलियस, वही तीन भाग में इतिहास को बांटे थे, तीन भाग इतिहास क्या क्या होता है प्राचीन काल मध्य काल और आधुनिक काल, तो भारत का भारतीय इतिहास को क्या है तीन भाग में बांटा गया है प्राचीन भारत हो गया मध्यकालीन भारत हो गया आधुनिक भारत हो गया, ऐसे इसको कोई यूरोपियन लोग कहते क्या कि प्राचीन भारत में क्या था ना धर्म ग्रहण बांटा गया, प्राचीन भारत मतलब हिंदू मध्यकालीन भारत मतलब मुसलमान और आधुनिक भारत मतलब ब्रिटिश यानी अंग्रेज, इसके आधार पर बांटा गया है इसको जो यूरोपियन जो भी क्या इतिहास को ही बांटे हैं
त्रिपाठी घाट हिंदू का बहुल था, मध्यकाल घाट मुसलमान का बोलवाया था, आधुनिक घाट में अंग्रेज का था। ध्यान देखिए, अब कोई भी इतिहास को हम लोग बांटते हैं, इतिहास जानकारी किसे मिलती है? उसका साक्ष्य होता है। तो प्राचीन भारत क्या है? साक्ष्य है इतिहास और सुप्रीम प्रमुख चार साक्ष्य हैं उसके। प्राचीन भारत में जो भारत क्या है, चार साक्ष्य होते हैं। पहला क्या होता है? धर्म ग्रंथ हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। तीसरा क्या हो गया? विदेशियों का विवरण हो गया। और चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हम लोग खुदाई मिलता है अवशेष वगैरह, महल हो गया या बर्तन हो गया, गहना जो होता है वो। जैसे हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं तो भारत का नहीं, विश्व का ही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नाम भारत का, लेकिन सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ कौन है? धर्म ग्रंथ में वेद है। लिखित ग्रंथ में भी या ऐतिहासिक बोलिए धर्म ग्रंथ, दोनों में कौन आता है? वेद ही आता है। कहाँ का है? जो वर्ण पूरी विश्व का है। कौन है? वेद है। तो वेदों को क्या कहा है? आप और से मतलब इसकी रचना पुरुष के द्वारा, मतलब कोई इंसान नहीं किया है। इसको क्या है? जो खुद से होता है कि ब्रह्मा जी खुद स्वर्ग से गिरा, ऐसा माना जाता है। जो स्वर्ग से गिराए थे उसी को संतरण करना, मतलब जमा किए हैं, चुनचुन के पेड़ को जमा करने वाले कौन है? महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास जो हम लोग क्या किए हैं? वेदों को जमा किए हैं। देखिए, वेदों को आप और से माना गया है। आप और से मतलब जो पुरुषों द्वारा नहीं रचित हो। हमारे भारत किस पर चलता है? किस परंपरा पर आधारित है? वसुधैव कुटुंबकम का। और वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कहाँ से आता है? सर्वप्रथम वेद से। ठीक है, वेद से क्या मिलता है हम लोग को? वेद क्या देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। कितने वेद है? चार है। पहला सबसे पुराना वेद कौन है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। और चारों वेदों क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। लेकिन अथर्ववेद को छोड़ करके अथर्ववेद को छोड़ कौन हो गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अथर्ववेद मिल जाएगा तो क्या कहा जाएगा? संहिता। चारों वेदों को संहिता और तीन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इसे तीन वेद में कौन होते हैं? अथर्ववेद को छोड़ के तीनों होते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद मंडल कितने हैं? दस। कितने मंडल हैं? दस मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? दस और अट्ठाईस है 1028। सूक्त जो भाग अलग दिया उसका, तो सूक्त क्या है? 1028 है। ऋचा मतलब मंत्र। मंत्र कितने हैं? 10462 मंत्र हैं। तो मंत्र कितने हो गए? 10462। सूक्त कितने हो गए? 1028। मंत्र कितने हो गए? 10। और इसके पाठकर्ता को जो पुरोहित इसके पाठ करते थे, किसके? ऋषि। वेदों को ऋग्वेद को चारों वेदों का अलग पाठ करने वालों कहा जाता था। तो ऋग्वेद को जो पाठ करने वाले होते थे ऋषि, उनको क्या बोलते थे? पोत्री कहा जाता था। ऋग्वेद किसका एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें किसका बोल चलता है? आर्य के राजनीतिक इतिहास धर्म बना था। आर्य लोग कैसे थे, उनकी कैसी राजनीति थी, कैसे उन लोग का इतिहास था, किस धर्म को मानने वाले थे, किस ईश्वर की पूजा करते थे, ये सब आर्य के बारे में जानकारी किसे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल को आर्य काल भी कहा जाता है। लिखवाने के बाद में ऋग्वेद मंडल कितने हुए? कितने मंडल है? 10 मंडल है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सुनते हैं ना, तो तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तो तीसरे मंडल में क्या हो गया? गायत्री मंत्र हो गया। और नवमे मंडल में क्या हो गया? सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता सोम तो चंद्रमा ने सोम देवता ही होते थे। और आठवें मंडल इतिहास को लिखी थे, जो आठवां मंडल है। तीसरा मंडल में क्या हो गया? क्या गायत्री मंत्र। आठवां में क्या हो गया? नवा मंडल क्या हो गया? सोम देवता का उल्लेख हो गया। और आठवां मंडल में क्या है? जो आठवां मंडल हाथ से लिखा हुआ जो मंत्र है उसको क्या बोलते हैं? खील कहते हैं। आया क्वेश्चन, खील किस मंडल में खील है? तो खील कहाँ है? आठवें मंडल में। और खील क्या है? हस्तलिखित ऋचा है। ऋचा मतलब मंत्र, हस्त से लिखा हुआ मंत्र है। और समाज के चारों वर्ण का उल्लेख, चतुर्थ वर्ण होता है, चतुर्थ वर्ण। तो चार वर्ण होते हैं ना, कौन कौन? चार वर्ण किसको बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण उसका उल्लेख कहाँ है? दसवें मंडल में किया गया है। ऐसा नहीं कि चार जाति का बोध उसमें होता है। क्या होता है? ये आदमी का जो स्वर होता है क्या होता है? ब्राह्मण होता है। और छाती क्या होता है? क्षत्रिय होता है। कमर क्या? वैश्य होता है। पैर क्या होता है? शूद्र होता है। इसी के आधार पर बाद में जाति का बंटवारा, लेकिन वैदिक काल में नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में बंटवारा हुआ था।
क्योंकि उस समय के लोग जातिवाद नहीं मानते थे, बाल के आधार पर जाति का बंटवारा जाति सब करते थे माँ बाप। अब देखिए ऋग्वेद में गाय को अधन्य, अधन्य मतलब क्या होता है, धन्य मतलब मारना, गाय क्या कहे अधन्य मतलब नहीं मारने जो कहा गया है, मतलब गाय को क्या कहा गया है नहीं मारने जो, गाय को मारना मतलब मनाही किया गया, मना किया गया है, ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है। जो बावना आधार पढ़ते हैं हम लोग जो तीन पद मांगे थे राजा बलि से विष्णु भगवान, तो उसका भी उल्लेख कहाँ है, उसका भी उल्लेख कहाँ है ऋग्वेद में, सबसे पुराना उसका मिलता है सबसे पहले। फिर ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद है क्या, ऋचाओं का संग्रह वेद है, ऋग्वेद है इंद्र के लिए सबसे सर्वाधिक सबसे अधिक सबसे ज्यादा किसके लिए मंत्र दिया गया है इंद्र के लिए, कितना है 250,000, उस पर अग्नि के लिए कितना है 200 मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं रचना के मतलब मंत्र की रचना की गई है, सर्वाधिक किसके लिए है इंद्र के लिए है। आर्य शब्द का आप इसमें कौन कौन से कितना उल्लेख किया है, आर्य शब्द क्या है राजनीति इतिहास हम लोग इसको जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्य शब्द में कितना बार किया है 36 बार, किसका है हमने आर्य का जानकारी संशोधन किया गया है। फिर नदी को भी इसमें अलग अलग नदी का ऋग्वेदिक नाम हो भी लिखवाने के बाद में, तो गंगा शब्द का गंगा नदी का कितना उल्लेख है एक बार, ये जमुना नदी का कितना बार नाम दिया गया है तीन बार दिया गया है, और सबसे ज्यादा किसका नाम है सिंधु नदी का दिया है, सिंधु नदी का दिया है। लेकिन सबसे पवित्र समान नदी को नदियों का नदियों को उत्तम नदियों में पवित्र किसको बोला गया है, किसको बोला गया है सिंधु नदी को बोला गया, सॉरी सरस्वती को कहा गया, किसको कहा गया है सरस्वती होगा सिंधु नहीं होगा। सबसे ज्यादा नाम किसका दिया गया है सिंधु का, लेकिन सबसे पवित्र किसको माना गया है सरस्वती नदी को माना गया। ऐसे फिर घोड़ा शब्द का आर्य क्या मानते थे सिंधु समुदाय के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य लोग क्या किए थे घोड़ा को पालतू बनाए थे, उन लोग क्या है सबसे प्रिय पशु आर्य का घोड़ा ही था, तो घोड़ा शब्द का भी क्या है उल्लेख कितना बार किया गया है 215 बार, गाय शब्द का उल्लेख कितना बार किया है 176 बार, जिसका मतलब क्या है वैदिक काल के लोग घोड़े को भगवान में क्या करते थे पालतू बनाए थे, तो लोग क्या होगा उनका प्रिय जानवर भी होगा, इसका सिस्टम है। अब कल तू लोग क्या बोले कल 3 से 4 कोशिश करना इसका टेस्ट ले लिया जाएगा, सबसे या तो इसका टेस्ट रहेगा।